नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। आज की चर्चा का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य 16 अगस्त को एक महीने के लिए अपनी राशि बदल रहे हैं और ये साल में एक बार होने वाली घटना है। हर साल लगभग इसी दिन वो एक महीने के लिए सूर्य माते। जब भी सूर्य अपनी राशि बदलता है, जैसे इस बार वृश्चिक में बदल रहे हैं, तो इसे संक्रांति कहते हैं, यानी सूर्य की संक्रांति। तो मोटे तौर पर हम ये समझना है कि सूर्य का क्या प्रभाव होता है सबके लिए। पहले साधारण बातें, फिर हर एक लग्न या राशि के साथ इसकी चर्चा करेंगे। तो सूर्य मुख्य रूप से ग्रहों का राजा है। आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्मा, हेल्थ, धन, संपदा, सामर्थ्य, राज्य, गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी, शक्ति, इन सभी चीजों को बिलोंग करता है। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपको ये सभी सुख प्राप्त होंगे ही। लेकिन अगर वो कमजोर है, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, तब भी इस एक महीने में, क्योंकि गोचर में सूर्य बहुत बलवान हो जाएंगे, इसलिए आपको कुछ शुभ फल जरूर प्राप्त होंगे। लेकिन जिनका जन्म ही अगस्त का ही है, उन्हें तो बेहतरीन फल प्राप्त होंगे ही। तो गोचर का अर्थ है कि जो मुझे जन्म के समय भी अच्छा ना मिला हो और अच्छा गोचर आ रहा हो, तो हमें वो प्राप्त होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। हर हाउस, हर जो ग्रह है, 12 हमारे जो घर होते हैं उसमें से कुछ खास खास चीजों का कंट्रोलर होता है। पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे डॉक्टर साहब हैं, वो हॉस्पिटल के कारक हैं। अब डॉक्टर साहब हमको रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उस जगह के वो मेन कंट्रोलर नहीं है। सब्जी मंडी में मिल जाते हैं तो हम उन्हें नमस्ते तो कर सकते हैं, पर उनसे कोई लाभ नहीं ले सकते। इंजीनियर साहब अगर हमें वाटर पार्क में नहाते हुए मिल जाते हैं तो किसी काम के नहीं, क्योंकि वो उनके वहां के कारक नहीं। एक सिर्फ समझने का कारक मतलब जो उसका बेस स्थान है, जहां पर बैठकर वो मैक्सिमम एक्ट देता है। तो कहां का कारक है? 3 घरों का, पहले घर, 9वें घर और 10वें घर, यानी राज्य का, पिता का, धर्म का और आत्मबल, कॉन्फिडेंस, हमारी सामर्थ्य का, ये मुख्य कारक हो जाता है। तो ये तो वो स्थितियां हो गई जो आपकी नॉलेज में आनी चाहिए। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी छोटी छोटी बातें जो चर्चा में हम लेते हैं, सीखने का उसका मजा लेते हैं। शरीर के अंगों के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये सिर का, मुंह का, मेरुदंड, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर है, आंखों का कंट्रोलर है। तो शरीर के इन पोर्शंस पे दबाव डालता है। अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव, बुरा होगा तो बुरा प्रभाव। ये एक और बढ़िया बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, क्या क्या तकलीफें देने की इसकी सामर्थ्य है। तो आमतौर पर सूर्य मतलब गर्म, मतलब बुखार, तो बुखार की बात करता है। हार्ट की सारी समस्याओं के लिए, जो दिल के रोग हैं, हृदय रोग हैं, उनमें सूर्य का जबरदस्त रोल रहता है। पेट से संबंधित खराबियां देखने में आ सकती हैं, आंखों की मैंने अभी बात करी, स्किन डिसीज में भी उसका रोल है। कटना, कट लगना, चोट लगना, जल जाना, इसके अलावा एक होता है हिस्टीरिया, दौरे पड़ना, इसमें भी अगर सूर्य राहु के साथ या और खराब स्थितियां हो, तो अगर सूर्य खराब है तो इतने सारे रोग किस किस पोर्शन पे दे सकता है, उनकी चर्चा की। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन दी होल इसकी प्रकृति कैसी है? ये लाल रंग का होता है, उष्ण प्रकृति, यानी गुस्सेल समझा जाता है अग्नि तत्व का। इसके स्वभाव में जला देना, अलग कर देना, पृथक कर देना, सेपरेट कर देना समझा जाता है। स्वभाव से क्रूर है, राजा को थोड़ा क्रूर होना भी पड़ता है। पुरुष लिंग का है, यानी इसका जेंडर है, वो मेल काउंट किया जाता है। क्षत्रिय वर्ण का है, इसमें युद्ध लड़ने की ताकत और जीतने की सामर्थ्य है। तमोगुणी है, आमतौर पर पाप करने से बचता है, ना करने देता है। ग्रीष्म ऋतु इसकी प्रिय ऋतु समझी जाती है और पूर्व दिशा इसकी अपनी दिशा है। आत्मा का ही अधिष्ठाता बनता है, यानी आत्मा को कंट्रोल करता है। तो सूर्य हमारे आत्मा का मेन कंट्रोलर बनता है। तो सूर्य की जो ऑन दी ऑल सिचुएशन है कि वो क्या करता है, कहाँ देखता है, उसकी एक दृष्टि है केवल, सिर्फ 7वीं, वो और कहीं भी नहीं देखता है। सूर्य विशेष रूप से शुक्र और शनि का शत्रु है, कुछ के साथ सम है, 3-4 के साथ मित्र है, तो वो सभी अब धीरे धीरे आ जाएगा।
ये बातें इसलिए भी जाननी जरूरी थी कि उसका तत्व के बारे में हमें जानना है, उसके कारक के बारे में जानना है। एक और चीज होती है, पूरे 30 डिग्री तक सूर्य यहां चलेगा, लगभग प्रति एक दिन एक डिग्री चलता है और 30 दिन में 30 डिग्री पूरी करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। पहली एक डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक इसे मूल त्रिकोण राशि का गिना जाता है और 20 के बाद 30 राशि तक यानी आखिरी के 10 दिन ये स्वग्रही गिना जाता है। तो मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव और अधिक अच्छा आता है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्यों दो बातें सीखी, वो सब मैंने आपको लिख करके भी आपको दिखा दी जो बोल रहा हूं, जिससे आपके लिए उसे समझना आसान। तो ये तो उनके लिए था पोर्शन जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो सिर्फ अपनी राशि देखने में इंटरेस्टेड है, चलिए उनकी भी बात करते हैं। सूर्य का मोटे तौर पर आप नए सिरे से समझ दीजिए, आपका आत्मबल, आपकी आंखें, आपका पिताजी, आपका राज्य, आपकी ताकत, आपका हौसला है। अब बात मेष की करते हैं। मेष वालों के लिए पांचवें घर में ये बैठेंगे और पांचवा घर हमारी संतान का, प्लानिंग्स का, सोच का, समझ का, डाइजेशन का कंट्रोलर है। तो क्योंकि बहुत अच्छी हालत में अपने घर में, तो संतान से संबंधित लाभ, उनसे संबंधित कुछ गुड न्यूज, संतान की पैदाइश के हिसाब से, उनकी कामयाबी के हिसाब से आपके डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। कोई फैसला इस दौरान लेंगे तो उसके लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा, तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये हुई सूर्य के बहुत अच्छी स्थिति एक। लेकिन जो सूर्य एकमात्र दृष्टि से देखता है वो कौन सी दृष्टि है, वो है उसकी सातवीं, वो देखेगा ग्यारहवें घर को। ग्यारहवें घर में हम देखते हैं मुख्य तौर पर आमदनी। तो संतान की तरफ से तो सुखों का योग बनेगा मेष वालों को, लेकिन कुछ ना कुछ असंतोष अपनी आमदनी को लेकर के भी बना रहेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है, यानी आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, आपके डिसीजंस, ये तो इम्प्रूव होंगे, इनमें फायदा होगा, पर आमदनी को लेकर थोड़ा संघर्ष जरूर देखने में आएगा। ये मेष की स्थिति हुई जाती। अगर हम उपाय के तौर पर बात करते हैं तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना ही एक अच्छा उपाय है। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना ही काफी होगा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। पर मेष के लिए बहुत शुभ है, बड़े अच्छे सुंदर परिणाम संतान वाले एंगल से आएंगे, आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा, आपको बड़ी खुशियां मिलेंगी, आपके खजाने भरेंगे, आपके बच्चों की कामयाबियां आपको मिलेंगी। वृषभ की बात करते हैं, वृषभ के लिए चौथे घर में आएंगे। वैसे भी गोचर में कोई भी ग्रह चौथे घर में ज्यादा सफल देता नहीं है। अब चौथा घर हमारी माँ को, मातृभूमि को बिलोंग करता है और वो माँ से थोड़ा अलग कर सकता है, तो माँ से प्रेम बढ़ सकता है, पर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, चाहे वो एक महीने के लिए जाना पड़े चाहे परमानेंट जाना पड़े कुंडली के हिसाब से, पर माँ से अलग करेगा। चौथा घर हमारे हार्ट को बिलोंग करता है, दिल पर दबाव बढ़ाएगा। चौथा घर हमारी हायर एजुकेशन को बिलोंग करता है, तो पढ़ने के लिए कहीं दूर जाने की स्थिति, यात्राओं का योग बनाएगा, मकान लेने का भी योग बना सकता है, वाहन का भी योग बनाता है। तो मकान और वाहन पे तो फायदा होगा, पर इसकी जो दृष्टि पड़ेगी पूरी वो पड़ेगी दसवें घर पे, यानी जीवन स्तर को लेके, अपने काम को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर के थोड़ा संघर्ष, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। तो बहुत बुरा बिल्कुल नहीं है, पर वृषभ वालों के लिए ये कि एवरेज सिचुएशंस हैं, कुछ मिला और कुछ खोया, कुछ यात्राएं, कुछ अलग, कुछ बिछो, तो आपको थोड़ी अलग होने की स्थिति भी आ रही है, मकान वाहन मिलने के भी योग बन रहे हैं, पर दिल पर भी दबाव आएगा, इमोशनल प्रेशर भी देखने में आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन की स्थिति क्या है, मिथुन की स्थिति है कि तीसरे घर में आएगा। अब तीसरा घर भाई बहनों के, हमारी कंधा, हमारा बाजू, हमारा पराक्रम, तो जबरदस्त पराक्रमी होते हैं ऐसे आदमी जिनके तीसरे घर में शनि सूर्य देवता बैठते हैं, और खासतौर पर मिथुन के लिए तो बहुत शुभ है। तो यहां बैठ करके वो क्या करेगा, आपके एफर्ट्स को इतना ज्यादा बढ़ाएगा कि आप भाग्य की परवाह नहीं करेंगे, या मैं अपने बाहुबल से अपना भाग्य लिख सकता हूं, मुझे मेरे भाइयों का सहयोग मिल जाए, मैं सारे काम कर लूंगा। तो उसमें भाग्य को लेकर थोड़ी तकलीफें, पिता के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, पर अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से आमतौर पर ऐसा आदमी को बहुत दिलेर, रिस्क लेने वाला समझा जाता है, जो घबराते नहीं है, ऐसे रिस्क भी ले जाते हैं जिसमें शरीर को चोट लग सकती है, हिम्मत बहुत होती है, दिलेर समझे जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कोई ज्यादा फिक्र की बात यहाँ पे नहीं आएगी। कर्क वालों के लिए कुटुंब के घर में आएगा, फैमिली की सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगी, पर आपकी लैंग्वेज थोड़ी रूखी हो जाएगी। तो जो कुछ हम परिवार के सहयोग से लाभ हुआ उतना ही कड़वा बोल के परिवार से बिगाड़ दिया, ये बहुत खास बात है। अब उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी आठवें घर पे, तो अपनी
जमा पूंजी को अपने संग्रह को लेकर के कुछ तनाव देखने में आ सकता है। उतना संग्रह नहीं हो रहा, उतना आमदनी नहीं होगी, उतना आप अनईजी फील करेंगे कि सब कुछ ठीक है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो इस परिवर्तन का लाभ जरूर हुआ, कुटुंब से सहयोग मिला, सारी बातें ठीक हुई, लेकिन सेविंग्स को लेकर, उम्र को लेकर, कमर से संबंधित तनाव को लेकर छोटी छोटी समस्याएं जरूर देखने में आ सकती। तो कर के लिए स्थिति एक एवरेज एवरेज स्थिति है, ज्यादा अच्छी न ज्यादा खराब। अब सिंह लगन, सिंह लगन लगन में सूर्य देवता बैठे हैं, वो भी स्वग्रही होकर, ये मूल त्रिकोण होकर के, बहुत बढ़िया, बहुत बलवान होते हैं ऐसे लोग। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी कद काठी डीलडोल बहुत अच्छी होती है, किसी भी बात का हिसाब लगाने में, उसका पूरा सजरा समझने में, सजरा तो ज्यादा उर्दू हो गई, किसी भी चीज का कैलकुलेट करने में उनकी जो मास्टरी होती है वो बड़ी शानदार होती है। तो ऐसे लोगों को आप किसी भी तरह चीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत तेज होते हैं, किसी बात को तुरंत समझ सकते हैं। पर इस सब तेजी, इस सब अकड़, इस सब दम्भ, इस सब जो ताकत का उन्हें वैवाहिक जीवन पर खामियाजा भुगतना पड़ता है। अर्थ यह निकलता है कि पारिवारिक जीवन में तनाव खटपट हमेशा आता है ऐसे लोगों को। तो जिनकी परमानेंट कुंडली में भी सूर्य लगन में है, उनको वैवाहिक जीवन के तनाव थोड़े बहुत बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन नहीं है तो गोचर का एक महीना पारिवारिक जीवन के तनाव का हो सकता है सिंह लगन वालों के लिए। यहाँ पर सूर्य कारक भी, इसलिए इस घर में और अधिक लाभ वो देंगे ही, तो सिंह के लिए बहुत शुभ है, थोड़ी बहुत तकलीफ पारिवारिक जीवन पे। अब बात करते हैं कन्या लगन की। अब कन्या लगन में स्थिति है कि बारहवें घर में स्वग्रही हो जाते हैं। बारहवें घर में स्वग्रही का अर्थ हुआ यात्राओं को लेकर के उन्हें लाभ हो सकता है, घूमने फिरने जाने के मौके मिल सकते हैं, कुछ पैसा खर्च करके आनंद लेने का मौका मिल सकता है। पैसा खर्च करके आनंद का मतलब होता है कुछ बाइंग कर लिया, कुछ खरीदा है घर में, कोई एसेसरी खरीदी इत्यादि। आंखों में दर्द की शिकायतें थोड़ी सी बढ़ेंगी, खासतौर पर लेफ्ट आई में आपको तकलीफ बढ़ सकती है। शत्रुओं पर जबरदस्त प्रेशर बनाते हैं ऐसे लोग, जो उनका सामना करना चाहते हैं, इसको समझिए कि जो कोई भी उनका सामना करना चाहते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। सूर्य के सामने उनकी टिकती नहीं है, बात संभाल नहीं सकते, इसलिए वो इतनी अकड़ के बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तकलीफ है थोड़ी आंखों को आ गई, खर्चे थोड़े से ज्यादा हो गए, कभी कभी रेयर केस में थोड़े बहुत बीमार भी पड़ सकते हैं, लेकिन लमसम की बात करते हैं तो एवरेज अच्छी स्थिति है, ठीक है। पर बारहवें घर में फिर भी बहुत शुभ स्थिति इसको नहीं गिना जाता, इसे एवरेज गिना जाता है। हाँ, शत्रुओं पर बीमारियों और हेल्थ के हिसाब से ओंदीओल स्थितियां अच्छी रहती हैं। अब तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के लिए ग्यारहवें घर आमदनी के घर में इसकी स्थिति आएगी, अच्छी स्थिति है, इनकम बहुत अच्छी होगी, पर इनकम और आपकी प्लानिंग के बीच में सामर्थ्य में गड़बड़ हो जाएगा। आप जो प्लान कर रहे हैं उस फील्ड से इनकम नहीं आ रही, जहां से इनकम आ रही है वहां आपने प्लान नहीं किया। तो आमदनी को लेकर के कोई तकलीफ नहीं होगी, स्थितियां बहुत अच्छी हैं, कोई समस्या नहीं है, पर इसका जो कुप्रभाव आएगा संतान पक्ष में देखने में आएगा। संतान के साथ असंतोष की स्थितियां बढ़ेंगी, आपके डिसीजन प्रभावित होंगे, आपको कॉन्फिडेंस में इतनी ज्यादा बड़ी बातें कर सकते हैं कि उन्हें बाद में संभालना भारी पड़ जाए। कभी आदमी जोश में करता है ना, बहुत लंबी लंबी बात कर दी, बड़े बड़े कमिटमेंट कर दिए और फंस गया, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, संतान की तरफ थोड़े सजग रहेंगे, बड़े डिसीजन लेने से पहले सोचेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इनकम पे जबरदस्त लाभ इन्हें होगा ही। वृश्चिक की बात करते हैं, दशम भाव में स्वग्रही होकर के बैठेंगे और ये वहां का कारक भी है दसवें घर का, तो और भी अधिक इफेक्टिव है, यानी मोर इफेक्टिव देन मोर देन इफेक्टिव, बहुत अच्छी परिश्रम यहाँ पे परिस्थितियां देगा, जीवन स्तर को उस लेवल तक ले जा सकता है, राज्य का गवर्नमेंट से संबंधित इतने फायदे देखने में आ सकते हैं, पिता के आशीर्वाद और उनके फायदे देखने में आएंगे कि मजा आ जाएगा। अब जिनका जन्म के समय से यहाँ रहता है, अब मान के चलिए वो ऊंचे लेवल के सरकारी अधिकारी तो बनते ही हैं। इस सब का जो थोड़ा सा नुकसान हुआ कि उसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे घर पे, चौथा घर हमारे दिल का, माता जी का, मकान का, तो इन सब फील्ड में अब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। यानी माँ के स्वास्थ्य को तनाव देखने में आए, आपके हार्ट को थोड़ा बहुत तनाव देखने में आए, ऐसा हो सकता है। हायर एजुकेशन में माइनर डिस्टर्बेंसी देखने में आ सकते हैं, घर से अलग रहने की परिस्थितियां देखने में आ सकती हैं, यानी आप नेटिव प्लेस से कहीं दूर शिफ्ट हो जाएं, ऐसा भी देखने में आ सकता है। लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है, नुकसान ना के बराबर है सावधानियों का। तो वृश्चिक के लिए अतीव शुभ स्थिति है। धनु लगन की बात करते हैं तो भाग्य के स्थान में स्वग्रही, पिता का जबरदस्त सुख, धर्म के सुख प्राप्त होगा, वहां का कारक भी है। तो जब कोई ग्रह जब कारक होता है और अपने ही घर में आता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो पिता से, भाग्य से आशीर्वाद मिलने का योग बनेगा,
संतान के सुखों का योग, अपनी सेहत, अपने व्यक्तित्व का योग बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब चक्कर में पराक्रम धीमा पड़ जाएगा, मेहनत की तरफ से दिल हट जाएगा, या एक नेगेटिविटी थोड़ी सी आ सकती है, क्या फायदा करने का, या मैं 2 मिनट में कर लूंगा, जल्दी भी क्या है करने की। तो अपनी इस नेगेटिविटी को संभालिए। भाग्य पर बहुत भरोसा करना अच्छी बात है, पर भाग्य के सहारे रहना बिल्कुल गलत है। कर्म का रोल कभी खत्म नहीं होता। तो धनु वाले अब क्या गलती कर सकते हैं इस महीने में कि भाग्य से उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, वो कर्म के प्रति थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा बिगाड़ खाता भी कर सकते हैं। अगर वो इन चीजों को संभाल लेते हैं तो इनके लिए बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। मकर की बात करते हैं। मकर के लिए 8वें घर में स्थिति बनकर आएगी। ये कोई बहुत शुभ स्थिति नहीं है, ना ही वो लगन के साथ तालमेल कर पा रहे और उनकी पूर्ण दृष्टि भी 2nd घर पर आ रही, तो ये खराब है। मकर वालों को तकलीफ होने वाली है, उनको आंखों के दर्द की, कमर दर्द की, मसल्स की भी समस्याएं देखने में आएंगी, उनको नर्वस सिस्टम की, डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उन्हें एक तरह से कुछ हद तक यूरिन इन्फेक्शन जैसी बातें, जलन जैसी बातें, पेशाब में जलन, इस तरह की कुछ समस्याएं भी देखने में आ सकती हैं। तो मकर के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उपाय, सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के मंत्र का जाप करें, इतना करना काफी होगा। कुंभ की बात करते हैं। कुंभ के लिए पत्नी के घर में या वैवाहिक जीवन के सुख के घर में ये राजयोग बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, राजयोग भी बनाएगा, सारा काम करेगा, पत्नी बहुत तेज तरार भी होगी, उसके साथ तालमेल भी होगा, लेकिन क्योंकि लगन के साथ ये विचार मैच नहीं करता, अर्थ ये निकला कि वैवाहिक जीवन का ठीक होना आपकी सुंदरता को घटा रहा है। अब यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर रहा है आपकी सुंदरता, तो ससुराल वाले ज्यादा हावी हो रहे हैं, लाइफ पार्टनर आप पे ज्यादा हावी हो रहा है, ये भी देखने में आ सकता है। तो वैवाहिक जीवन में भी खटपट आएगी, सुंदरता में भी तकलीफ आएगी, चेहरे पे चोट लगना, बालों की खराबियां देखने में आना, चेहरा रूखा हो जाना, बालों का टूटना भी देखने में आ सकता है। कुल मिलाकर कुंभ के लिए ये परिवर्तन शुभ नहीं है। मीन की बात करते हैं। अब मीन पर एक बहुत विशेष बात है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी 6ठे घर में पापी ग्रह मजबूत होकर बैठता है, इसे शत्रुहंता योग कहते हैं, यानी ऐसे लोग अपने शत्रुओं को कुचल के रख देते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कुंडली इस मामले में एक आदर्श है, एग्जाम्पल के हिसाब से। उनके 6ठे घर में शनि अपनी उच्च राशि में बैठते हैं, तो इससे सुंदर, इससे बढ़िया एग्जाम्पल संभव ही नहीं है कि उनके पैदा होते से ही उन पर शत्रुओं के हमले शुरू हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान हार गए हों, हर शत्रु को उन्होंने कुचल के रख दिया 3 महीने के थे तब से लेकर आगे तक। तो इस विषय पर भी पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको 4-5 दिन में अवेलेबल कर दूंगा, कृष्ण जन्माष्टमी भी वीडियो अपलोड करूंगा, देखिएगा बड़ा आ जाएगा। अभी हम वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। हमारा विषय था कि मीन लगन के लिए 6ठे घर में जब होगा तो शत्रुओं पर दबाव बनाते हैं, हेल्थ को बड़ा इंप्रूव करते हैं, स्वास्थ्य को फायदा हुआ, कर्ज की स्थितियों को फायदा हुआ, शत्रुओं पर आपका दबाव बढ़ा, पर आंखों पर नेगेटिव इंपैक्ट आया, यानी सिर दर्द होना, आंखों में दर्द की कुछ शिकायतें देखने में आना, ये सारी चीजें देखने में आ सकती हैं। कहीं ना कहीं 6ठे घर से एक और फायदा ये होता है कि वो कर्ज की और इन सब चीजों करता है, लेकिन दूसरों के झगड़े में बेमतलब पैर डालता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि 2 लोगों में झगड़ा है, उनको सॉल्यूशन निकलवाने के लिए कुछ पैसा लेना, आप इसे मीडिएशन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके के काम से भी वो पैसा बनाता है, यानी शत्रुओं का सहयोग या शत्रुओं का फेवर डिसफेवर करके भी पैसा बना लेता है। तो ये बड़ी अच्छी स्थितियां हैं, दोस्त से भी पैसा कमाने का मौका मिलता है, शत्रु से भी। थोड़ी आंखों के दर्द की शिकायत आती है। हमने सारी राशियों और लग्नों की चर्चा कर ली और मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और आपको कुछ इससे लाभ भी होगा। एक नया चैनल मैंने बनाया है, पिछले 2-3 वीडियो से मैं ये बात बताता आ रहा हूँ, उसका नाम है धर्म प्रत्यंचा, जिसमें फिलहाल महाभारत से संबंधित कुछ अद्भुत कहानियाँ, कुछ ऐसी घटनाएँ जो आपसे छूट गई हैं वो ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए निकाल रहा हूँ, और आप उसे भी देखें, अपना प्रेम दें, अपना आशीर्वाद दें, जिससे आपको भी सुख प्राप्त हो और मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।